हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा जो कि 26 दिसंबर 2021 को होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण तथा उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वहां से महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं। ठीक, पहले भी ये पॉइंट आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बस रिवीजन के तौर पर एक दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 6 से 8 नंबर डायरेक्ट यहाँ से ही मिलने वाले हैं, तो इसे ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला आपको देख लीजिए, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने क्या मनाया है, तो ये वन्यजीव सप्ताह 2021 मना दिया है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये घोषणा जो किया गया था 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में ही मनाने के किया गया था। ठीक, इसका जो थीम रखा गया था, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल, ये आपको इसका थीम रखा गया था। तो पूछ सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये वन्यजीव सप्ताह मनाया है अक्टूबर में, तो आप लगाइएगा डायरेक्ट जम्मू कश्मीर। ठीक, अब दूसरा देखिए, विश्व अजोन दिवस, जो अजोन है उसका फॉर्मूला होता है O3 और ये समताप मंडल में मिलता है और पराबैंगनी जो किरण है उससे रक्षा करता है हमारा। ठीक, तो विश्व अजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है अजोन दिवस, इसका थीम क्या था, तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। क्योंकि आप पता है कि आपको जो हुआ था ये 16 सितंबर और 1987 को हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, और वहीं पर आपको ओजोन को बचाने के लिए यहाँ पर यह था। ओजोन का सबसे बड़ा दुश्मन जो था ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया, ये बताइए ये किसके बीच किया गया, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। ठीक, और भारत के तरफ से जो पर्यावरण मंत्री थे उसमें भूपेंद्र यादव ने इसमें हिस्सा लिया, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से। अगला देखिए, कुछ आवाज़ आपको आ रहा होगा पीछे से, मैं काफ़ी मतलब कि अभी नहीं हूँ, ऑफिस में बाहर हूँ, इसलिए मैं आपको आवाज़ थोड़ा है, लेकिन मैं टाइम निकाल कर कोशिश किया कि यहाँ से करा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ बन रहा है, तो ये आपको आइसलैंड में शुरू किया गया है, आइसलैंड में शुरू किया गया है, और 4000 टन प्रति वर्ष ये क्या बनाएगा, ये आपको CO2 सोख कर आपको ये CO2 सोख लेगा। ठीक, और उसको एक आपको पत्थर की जैसा आपको बना देगा, मतलब कि पहाड़ जैसा सोख कर एक जगह इकट्ठा कर देगा पत्थर की तरह। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा, तो ये 4000 टन प्रति वर्ष CO2 जो है ये आपको पौधे के लिए जरूरी होता है, लेकिन CO2 क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो CO2 निकलता है, और CO2 क्या करता है, प्रकाश जो आता है सूरज का उसको अवशोषित कर लेता है, बाहर निकलने ही नहीं देता, जिससे आपको आपको पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिससे बाढ़ देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बारिश, कभी कहीं अकाल देखिएगा, ये सब देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं ने किस पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका नाम है प्राण पोर्टल। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि प्राण पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है मंत्रिमंडल, तो ये पर्यावरण मंत्री जो है भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट है कि दिल्ली के आनंद विहार में भारत का पहला कार्यात्मक स्मोक टावर, पूछ सकता है कि कहाँ स्मोक टावर लगाया गया है, कार्यात्मक जो कार्य कर रहा है, तो ये दिल्ली का पहला स्मोक टावर लगाया गया, ये आपको आनंद विहार में। ठीक, अब आगे देखिए अगला जो पॉइंट है कि भारत का पहला डुगोंग जिसे बोला जाता है, जिसे कि पानी वाला या समुद्री गाय जिसे बोला जाता है डुगोंग, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जो आपको डुगोंग संरक्षण है ये आपको तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट, जो पाक की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी आपको पड़ता है जो श्रीलंका और भारत के बीच में, यहीं पर ये आपको स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत VVI है, इसे एकदम स्टार लगा लीजिए, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पक्का पूछने वाला है। आगे देखिए, प्लास्टिक समझौता शुरुआत करने वाला पहला एशियाई देश, पूछ सकता है कि पहला एशियाई देश जो प्लास्टिक समझौता शुरुआत किया, ये अपना भारत है। ठीक, और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से ये स्टार्ट किया गया है। फिर आगे देखिए, जो भी मैं VVI लिखा हूँ उसे एकदम लिख लीजिएगा, NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाएगी, यहाँ पर ये जरूर दिया रहेगा कि कितना मेगावाट है और कहाँ फ्लोटिंग बना रहा है। ठीक, क्योंकि ऑप्शन में आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा, बहुत जगह दे देगा ऑप्शन, मान लीजिए कि आपको टंकेश्वर बांध दे देगा, आपको ये जो अभी दिया है सिहादरी थर्मल पावर स्टेशन दे देगा, और भी जगह जो है वहाँ पर दे देगा, तब कन्फ्यूजन हो जाइएगा, तो चिंता मत कीजिए, ये जरूर देगा कि कितना मेगावाट, तो जरूर याद रखिएगा ये, तो ये छोटा वाला दे रहा है, ये 25 मेगावाट दे रहा है, तो ये सिहादरी थर्मल पावर स्टेशन जो विशाखापट्टनम में है वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो 11000 फीट की ऊंचाई पर उद्घाटन किया गया, ये आपको उत्तराखंड के चमोली जिला भी याद रखिएगा, देख सकता है उत्तराखंड के चमोली जिला में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना, तो ये भारत बना, कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश भारत बना। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस
मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की। 12 मार्च से आपको स्टार्ट होता है आज़ादी के अमृत महोत्सव, आपको सप्ताह बाद ये मनाया जाएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 2021 की किया गया था, ये कोयला मंत्रालय द्वारा। ये बहुत ही VBI है, लोग सोच लेंगे कि वृक्षा दे रहा है तो ये पर्यावरण मंत्रालय दिया होगा, नहीं, वृक्षारोपण जो है इसका जो खाली जगह बचा हुआ है वो कोयला मंत्रालय नहीं, वहाँ पर आपको वृक्ष लगाएगा। ठीक, क्यों लगाएगा भाई, कोयला के चलते ही काफ़ी प्रदूषण हुआ है और काफ़ी पेड़ भी कटे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये एक है, ये भी उसी से रिलेटेड है। कोयला मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय के एक विभाग गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने के निर्णय लिया गया था। देखिए आ गया ना, 2385 हेक्टेयर पर वन लगाया जाएगा किसके द्वारा, तो कोयला मंत्रालय जो उसका खाली जगह पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी, जिसके तहत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसे बंद कर दिया जाएगा। 2022 तक बहुत से, जैसे कि सबके लिए आपको घर उपलब्ध कराना है, किसानों की आय दुगनी करना है, ये सब जो है ये 2022 तक आपको लक्ष्य है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को भी चरणबद्ध तरीके से बंद करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगस्त में 2021 में थाईलैंड ने कोरल और मूंगों को नुकसान पहुँचाने वाली किस पर लगा दिया है, तो सनस्क्रीन जो था उस पर लगा दिया। पहले अमेरिका भी आपको लगाया था, ये याद रखिएगा। तो ये जो है, अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल और मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा देश प्रतिबंध लगाया है सनस्क्रीन पर, तो आपको थाईलैंड मिलेगा। और ये क्वेश्चन PCS में आपको जो हुआ है, UPPS वहाँ पर भी आप देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड, पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ शुरुआत किया गया है, तो ये राजस्थान में शुरुआत किया है। सबसे VBI क्वेश्चन तो यही है। ठीक, और ये किस मंत्रालय द्वारा, यहाँ पर देखिए, खादी ग्राम उद्योग आयोग और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने, और आपको खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने ये शुरुआत किया है, मतलब बांस लगाया गया है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपको यहाँ पर देखिए, इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को BSF ने KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि इटली ने नेपल्स में G20 देशों का पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की बैठक की आयोजन की, तो पूछ सकता है कि कहां पर आपको पर्यावरण मंत्रियों की G20, तो आपको पता है कि इटली में हुआ है, और अगला जो होगा वो कहां पर होगा पूछ सकता है कि, तो आपको मैंने बताया था कि आप याद रखिएगा, RRR मतलब इंडोनेशिया आपको हो जाएगा जैसे इसके बाद, और फिर इंडिया हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, ऐसे आपको ये मनाया जाएगा। तो G20 के आपका पर्यावरण ऊर्जा मंत्री की बैठक जो है, ये आपको G20 का, ये इटली में इस बार हुआ है, और इटली की कौन से साल में, नेपल्स में हुआ है। ठीक, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, एकदम देखिए यहाँ पर मैं VBI लिख दिया हूँ, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये पटना में किया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा, जो डॉल्फिन है हमारा, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है। ग्रीनपीस के एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे NO2 बोला जाता है, की मात्रा कितनी प्रतिशत बढ़ी है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 125% मात्रा बढ़ गई है दिल्ली में। ठीक, नवंबर 2021 के COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये देखिए आ गया, हो गया है ये। ठीक, तो ये गलसागो UK में किया गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये हो चुका है, बहुत VBI क्वेश्चन है, इसे एकदम स्टार लगा लीजिए। एक पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ है COP26 का आपको सम्मेलन। स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया, ये आपको कौन से संस्था जारी किया स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021, ये जारी किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, CSEG से बोला जाता है। ठीक, और इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पर देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी के चपेट में आ गए 115 मिलियन से अधिक लोग, 500 से अधिक मिलियन बच्चों को COVID-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा। पूछ सकता है कितने आपको इस रिपोर्ट के अनुसार, तो 500 मिलियन बच्चों को स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा। अब देखिए आगे, मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, इसका जो मुख्यालय नैरोबी में पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। आगे देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया, तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक, ये याद रखिएगा। भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा, तो पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा आपको 2021 से 25 तक, तो 20 गीगावाट स्थापित करेगा। देखिएगा, पवन ऊर्जा जो हो अब तटीय क्षेत्र में ज़्यादा होता है, या आपको जो पहाड़ी वाला क्षेत्र में होता है, जैसे कि डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा होता है। ठीक, और या समुद्र के किनारे जब हवा चलता है तो उससे आपको पवन ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है टर्बाइन घुमाकर। ठीक, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ये आपको रिपोर्ट दिया गया था। अब यहाँ पर आइए, सबसे VBI क्वेश्चन आप लगा लीजिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ VBI उसे एकदम याद कर लीजिएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी के फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हुआ है, कौन से फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मिला है पर्यावरण के आपको श्रेणी में, तो ये आपको वाटर बरियल, और ये पूछता है पहले PCS में पूछ दिया है क्वेश्चन कि वाटर बरियल किस राज्य का आपका है फिल्म है, तो अरुणाचल प्रदेश का, ये ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये भी जून 2021
में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117 है, जो कि आपको जून 2021 में जारी किया गया पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट। और यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास, जो कि 2030 तक लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, 17 सतत विकास जिसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, आधार पर तैयारी से किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया। पूछ सकता है कि 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन है ये कहाँ पर बनाया गया, तो महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक। और इसका आपको जो परियोजना का उद्घाटन किया गया है ये आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। आगे देखिए, जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली कहाँ रहती है, मतलब पूछ सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा तितली कहाँ पर रहती है, ठीक। ये आपको कोलंबिया हो जाएगा, लगभग 20% आपको पूरे विश्व का यहाँ पर मिलेगा कोलंबिया में। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो ये तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक। तो भारत के आपको किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में। और उड़ीसा में सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो चिल्का झील एक लैगून झील है, जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत का, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला देखिए, किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे को सूची में डालने की सिफारिश की। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, आपको ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पड़ता है। ये आपको बताना है कि इसको डालने को सिफारिश की है, तो यूनेस्को की एक समिति द्वारा, यूनेस्को की जो समिति है उसके द्वारा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह को आसपास समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इस द्वीप के आपको समुद्र स्तर बढ़ेगा इसका अनुमान लगाया गया है, ये हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर पड़ता है अरब सागर में, यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप पड़ता है। भारत का पहला पराकण पार्क, जिसे बोला जाता है पोलिनेटर पार्क, और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर दरोगा की एग्जाम आप देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक, तो वहाँ पर उत्तराखंड का जो भी अगर शुरुआत किया जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। पहले भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत का पहला पराकड़ जो है पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो ये उत्तराखंड में खोला गया है, ठीक। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी, ये बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है, जो कि राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला, तो ये नई दिल्ली में रखा गया है, ठीक। और इसका थीम क्या था, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत के किस बांध पर 600, देखिए यहाँ पर दिया ना, 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना, 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ये आपको दिखेगा अंकेश्वर बांध जो है ये आपको नर्मदा नदी पर पड़ेगा मध्य प्रदेश में, ये आपको यहाँ पर, ठीक, ये याद रखिएगा। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है, जो थैला बैंक है इसकी शुरुआत किया गया है किस नगर निगम द्वारा, तो ये लखनऊ नगर निगम द्वारा शुरुआत किया गया है, ठीक। आगे देखिए, पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट किसने लॉन्च किया है, तो ये पूछ सकता है किस राज्य में बनाया गया, तो ये तो राजस्थान बनाया गया है, और ये आपको नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है, ये आपको गाय के गोबर से मिलाकर यह बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि पक्षी महोत्सव जो कलरव के कारण खबरों में आई, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है। कलरव महोत्सव पूछ सकता है कहाँ मनाया गया है, तो बिहार के नागी नकटी में, ये क्वेश्चन एकदम टपक्का टपकेगा, यह मैं पूरा भरोसा इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है। और यह आप पूछ सकता है कि ये भारत मतलब बिहार के कौन से जिला में है, ये आपसे पूछ सकता है कि नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी है ये कौन से जिला में है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ जमुई जिला है, और ये बिहार में कलरव पक्षी जो आपको आया था मतलब महोत्सव मनाया गया था। किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया, पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, ये बताइए कौन सा, तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय ही लगाएगा ना। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, देखिए भारत में जो पहला आपको वेटलैंड है ये पूछ रहा, पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, तो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र वहीं पर आपको चेन्नई में मतलब तमिलनाडु में आपको स्थापित किया गया है। और अभी कितना वेटलैंड है पूछ सकता है आपको, तो अभी 47 हो गया है ये, अभी फिलहाल आपको कुछ दिन पहले आपको यूपी के एक आपको वेटलैंड को मिला है, यूपी के वेटलैंड का नाम पूछ सकता है क्या है, तो हैदरपुर है। और सबसे ज़्यादा पूछ सकता है कि वेटलैंड कहाँ पर है, तो भी आप याद रखिएगा कि यूपी में ही है, ठीक, लगभग 9 हो चुके हैं यूपी में आपको वेटलैंड। और यहाँ पर मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूँ जो जरूरी है, कि वेटलैंड जो है ये जैसे कि आपको पूछता है कि ये वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, और रामसर जो कन्वेंशन हुआ था यही 2 फरवरी 1971 में हुआ था, जो रामसर है ईरान में पड़ता है, और वहीं से ये कन्वेंशन हुआ था, और भारत ने भी इस पर बाद में अपना साइन किया था, यहाँ पर देख सकते हैं अगला, रेटिफाई किया था। समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया, देखिए ये भी आ गया, समुद्री शैवाल जो पार्क है ये किस राज्य में स्थापित किया करने का निर्णय लिया गया, तमिलनाडु में ही निर्णय लिया गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता, जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड इन्होंने जीता है, यह है थियोडोर भास्करन, याद रखिएगा। 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया, देखिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहने का मतलब कि वो तो आपको जो शहर है वो तो विकसित किया, लेकिन जो अपना पेड़ पौधा है, जो अपना पर्यावरण, उसको आपको अस्तित्व मतलब कि अच्छा तरीका से मतलब कि रखते हुए उसको अपने शहर को विकसित किया है, इसलिए हैदराबाद को देखिएगा तो ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है, ठीक। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया, आपको बताना है ये क्वेश्चन कि किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है, तो ये लक्षद्वीप में बहुविवाही क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, लक्षद्वीप में किया गया है। अशफाक उल्ला और परमाणु
प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस राज्य में खोला गया? तो अशफाकउल्ला और जो प्राणी उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, तो वहीं गोरखपुर में आपको खोला गया है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? ये देखिए, यहाँ से आपको ये एकदम घेर लीजिए, एकदम बीबीआई लगा लीजिए यहाँ पर, कि जो अम्बोली पूछ सकता है कि अम्बोली जैव विविधता कहाँ पर है। ठीक, ये पूछ सकता है जो स्थल है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र में क्या बोला है कि इसको हम जैव विविधता विरासत स्थल आपको बनाएंगे। ठीक, किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया, मतलब अगर पर्यावरण को क्षति करते हैं तो इसके लिए इकोसाइड जो बिल लाया गया है ये फ्रांस द्वारा लाया गया है। ठीक, भारतीय मौसम विभाग के 5 जनवरी 2021 के विज्ञप्ति के अनुसार, विज्ञापन मतलब विज्ञप्ति के अनुसार, वर्ष 2020 1901 के पश्चात 8वां सर्वाधिक वर्ष रहा। ठीक, 1900 आपको बताना है कि 1900 आपको 8वां सबसे सर्वाधिक आपको गर्म वर्ष रहा है। 2000 आपको पूछ रहा है कि एक ये जो आपको 2020 जनवरी 2021 विज्ञप्ति जब आया तो बताया गया कि 1901 के बाद, 1901 के बाद मतलब कि 1901 के बाद अभी जो ये आपको रहा है ये सबसे गर्म आपको वर्ष रहा है 2020 में। और फिर पूछ सकता है कि 2021 वाला भी आप देखिएगा उसमें दिया हुआ है, आप पहले नंबर ही पॉइंट पर देखिएगा, ये इन्फॉर्मेंट में पूछ सकता है। तो पूछ सकते हैं अभी तक के 8वां सबसे गर्म आपको जो महीना रहा है ये अगस्त रहा था। ठीक, देखिए विश्व मौसम संगठन जनवरी 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2020 अभी तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। देखिए विश्व मौसम जो आपको जारी किया है ये 2021 में एक आपको विज्ञप्ति जारी किया है और बताया है कि 2020 अभी तक का तीसरा सबसे आपको गर्म आपको है। ठीक, तो विश्व मौसम संगठन जो है जिनेवा में इसका मुख्यालय पड़ता है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर ये आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे बोला जाता है। आगे देखिए, वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया, ये देखिए इसलिए गर्म काफ़ी ज़्यादा था तो घोषित किया जाना ही है, तो जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया जाएगा अब 2020 को। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हिम तेंदुआ आपको जो आपको राष्ट्रीय आपको जंतु जो बनाया गया है, मतलब राष्ट्रीय नहीं, अब तेंदुआ आपको संरक्षण केंद्र है ये उत्तराखंड में है, लेकिन आपको पूछे कि राजकीय जो पशु ये बनाया गया ये किसे बनाया गया जंतु, तो ये आपको याद रखिएगा लद्दाख द्वारा, लेह लद्दाख जहाँ पर हिमालयन फेस्टिवल की ही शुरुआत किया गया था आपको शुरू में। यहाँ पर देखिए वर्ष 2020 से 25 के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया है, गिद्ध संरक्षण कार्य योजना। और आपको पता है कि अभी वाल्मीकि में गिद्ध को देखा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है जो कि हमारे पश्चिम चंपारण यहाँ देखिएगा बिहार में है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वैधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखिए अगर वैधशाला पूछे, प्रथम वैधशाला यहाँ पर देखिए, तो ये भागलपुर में आपको लगाना होगा, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रथम वैधशाला आपको भागलपुर में। ठीक, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड के मनुस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया जाएगा, तो प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड के मनुस्यारी में ये आपको स्थापित किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायो स्फेयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, और इसको विश्व नेटवर्क के में आपको शामिल कर लिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में 18 बायोस्फेयर रिजर्व है, जिसमें से 12 को आपको क्या किया गया है, तो ये आपको विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। 12 जो बायोस्फेयर रिजर्व है ये 18 में से ये आपको इसको विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ठीक, ये पूछता है आपसे। ठीक, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश को चयन किया है, तो नगर वन योजना पूछ सकता है कि कहाँ पर है, शुरुआत किया गया तो ईटानगर को चयन किया है, मतलब कि ये आपको अरुणाचल प्रदेश, ये पूछा है क्वेश्चन आपसे पहले एग्जाम में। वर्ष 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुरस्थान दशक घोषित किया गया है, तो पूछ सकता है कि ये आपको 2021 से 30 तक कौन सा आपको दशक घोषित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुरस्थान दशक घोषित किया गया है, आपको ये याद रखिएगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जो कि LPR जिसे बोला जाता है 2020, किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जिसे बोला जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2016 तक स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 68% की गिरावट देखी गई है। ठीक, भारत के लगभग एक तिहाई अर्धभूमि लुप्त हो चुके हैं इसी रिपोर्ट के अनुसार। विश्व में लगभग 85% से अधिक अर्धभूमि है वो भी लुप्त हो चुकी है, भारत की एक तिहाई हो चुकी है और विश्व में आप देखा जाए तो 85% से अधिक अर्धभूमि लुप्त हो चुकी है। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक भारत में है। आपको पूछ सकता है कि जैविक किसानों की संख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो भारत आपको लगाना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा जैविक किसान है। और जैविक खेती आपको सबसे पहले आपको पूर्ण रूप से कहाँ पर, तो सिक्किम में, अभी आपको लद्दाख को सिक्किम को मदद कर रहा है कि 2025 तक वो भी पूर्ण रूप से अपना करे। और केंद्र शासित अगर प्रदेश पूछेगा तो आपको लक्षद्वीप लगाना पड़ेगा जैविक कृषि में, ऑर्गेनिक आपको जो कृषि होता है एग्रीकल्चर। कृषि मंत्रालय ने डिजिटल महासागर
प्लेटफॉर्म को आरंभ किया। ये आपको किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, आपको डिजिटल जो डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा था, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। और पिछली बार आपको पूछा था क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो 22 अप्रैल को ये आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विश्व जल दिवस आगे देख लीजिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 2021 में क्या हुआ है। तो विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल मिशन कौन शुरुआत किया है, तो कैच द रन अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि कैच द रन किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मनाया जाता है जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ इसका जो आपको टैगलाइन था, ये जो आपको जल दिवस पर उसका था, वर्षा का जल का संचयन जहाँ भी हो जब भी हो, वर्षा के जल का संचयन जहाँ भी हो जब भी हो, ये आपको इसका टैगलाइन था। 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ, तो केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है, अब देखिएगा इसके बीच में आपको समझौता हुआ है, तो ये आपको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और जल शक्ति मंत्रालय तीनों मिलकर ये समझौता किए हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में, कि जहाँ कम पानी है उसको अधिक वाला, जहाँ पर कम पानी है, जो नदी में कम पानी है वहाँ पर कम सिंचाई है, अधिक नदी वाली पानी से उसमें आपको लिंक कर पानी को भेजना, यही तो आपको नदी जोड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। देखिए बहुत VBI क्वेश्चन एकदम स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसमें भारत का ही सबसे बड़ा योगदान है, भारत ने ही बोला था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, मोटे अनाजों में आपको मकई आ जाएंगे, राई आ जाएंगे, ये सब होते हैं जो मोटे अनाज में आते हैं। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021-26 किसके द्वारा जारी किया गया, जो राष्ट्रीय कछुआ कार्य योजना 2021-26 है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो जंतु जीता है ना वो कछुआ ही है, ये भी याद रखिए। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जो जारी करता है ये आपको होना चाहिए पता, कि इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। दो जो देश हो जाएंगे, अमेरिका और आपको चीन हो जाएंगे इसके ऊपर, और भारत तीसरा है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का स्थापना कहाँ किया जाएगा, ये देखिए बहुत VBI क्वेश्चन, इसे भी लगा लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक, तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है ये आपको लेह लद्दाख में आपको शुरुआत किया गया। भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जिसे WCCB को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से UNEP ने सम्मानित किया, ये पूछ सकता है। UNEP जो नैरोबी में आपको है मुख्यालय, ये इसको किसको दिया गया है, पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020, तो ये भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ठीक, इसको दिया गया है। विकासशील देशों में जलवायु क्षति को सीमित करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसने जारी किया, यहाँ पर देखिए अनुकूलन अंतराल पर रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसने जारी किया है, ये पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया गया। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत VBI क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, ये पूछ सकते हैं जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से इसका मेजबानी कौन किया था, तो नीदरलैंड ने किया था, नीदरलैंड। ठीक, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, लगभग 75 पॉइंट मैंने आपको जरूरी है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो मैंने करा दिया। मैंने कोशिश किया जितना जल्दी हो सके, इसे एक से दो बार आप देख लीजिएगा, और ऐसे ही मैं लगातार और भी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत